किस क्लास की स्टूडेंट हैं? हम 12th क्वालिफाइड स्टूडेंट। तो एग्ज़ाम कब हुआ उसका? 6 फरवरी 2020 से 13 फरवरी 2020। रिजल्ट हो गया उसका? हाँ। कब हुआ रिजल्ट? 24 मार्च। क्या उसमें आपका रहा? फर्स्ट डिवीज़न 87% 87% रहा। तो और ये आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? हमने 12th की तैयारी मिश्रा कॉमर्स ट्यूटोरियल कोचिंग से की थी। तो वहाँ पर तो और भी बैच में बच्चे होंगे? हाँ, वहाँ 12th के 2-3 बैच चलते थे। एक बैच में 20 से एवर स्टूडेंट हैं। तो उन बच्चों का रिजल्ट? मिश्रा कॉमर्स ट्यूटोरियल के सारे बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मिश्रा कॉमर्स ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर के बारे में? मिश्रा कॉमर्स ट्यूटोरियल कोचिंग एक ऐसा कोचिंग है जहां पर सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसी कराई जाती है कि एग्ज़ाम डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजिली एग्ज़ाम दे सकते, उसका प्रेशर नहीं रहता। तो आपका जो ये इतना अच्छा अंक आया या इतना अच्छा परसेंटेज आया, उसके लिए आप किसको मतलब ये देना चाहती हैं? मेरा इतना अच्छा परसेंटेज सिर्फ मिश्रा सर के कारण आया है। मिश्रा सर ने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाते हैं, टेस्ट टाइम टाइम पे लेते हैं, जिससे हम लोग का कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। आप यहाँ कितने सालों से क्लास कर रही हैं? 10th करने के बाद 11th 12th 2 साल से यहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम समीर तकिया दुर्गा स्थान के रहने वाले। इस कोचिंग सेंटर में आपकी क्या भूमिका है? मैं रणधीर कुमार मिश्रा और डायरेक्टर ऑफ मिश्रा कॉमर्स ट्यूटोरियल। इस संस्था को हम पिछले 12-13 साल से मुतन नगर में रन करवा रहे हैं और बच्चे भी हमारे पास आते रहे हैं और बेहतर रिजल्ट रहा है हर साल का। और एक्चुअली हमने देखा है कि अगर बच्चों को सही गाइडलाइन मिले तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। एक्चुअली बहुत जगह बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर हम तो जहाँ क्लास कर रहे थे एक ही विषय पढ़ाई होती थी, बाकी हम नहीं कर पाते हैं। तो हमने इस चीज़ को एक इशू बनाया और हमने बच्चों को सारे विषय की प्रॉपर गाइडलाइंस दी और हमारे साथ जो सहयोगी शिक्षक रहे हैं उन्होंने भी बच्चों को अच्छा मोटिवेट किया हर विषय के लिए और बच्चे हर विषय को इक्वल वे में प्रिपेयर करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। आपके यहाँ सिर्फ कॉमर्स का ही ये क्लास चलता है? जी हाँ, ये कॉमर्स स्पेशल इंस्टीट्यूट है। तो आपके यहाँ किस क्लास के बच्चों की यहाँ पर कोचिंग में उनको शिक्षा ली जाती है? यहाँ जो है बच्चे 10th पास करने के बाद ही एडमिशन ले लेते हैं। जो बच्चे अपना फ्यूचर डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमें कॉमर्स फील्ड में ही ग्रो करना है तो वो एडमिशन ले लेते हैं और वो 11th 12th का भी क्लास होता है, उसके बाद +2 ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री वगैरह सारे क्लासेस प्रॉपर वे में होते हैं। ये आपका कोचिंग सेंटर जो है ये सिर्फ गया डिस्ट्रिक्ट में ही है? गया डिस्ट्रिक्ट में है और एक्चुअली 2 जगह पे ये संचालित हो रहा है। एक तो यहाँ है नूतन नगर एरिया में है और दूसरा मेरा मानपुर मुफस्सिल मोड़ पे मेरा सेकंड ब्रांच है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं? यहाँ पर जो है बच्चे काफ़ी दूर दूर से आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो ट्रेन और बस की सुविधा से आते हैं और हमारा जो ब्रांच है मानपुर संचालित हो रहा है, वहाँ तो राजगीर से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। आसपास के जो लोकल एरिया है वहाँ से बच्चे आते हैं। नूतन नगर में जो बच्चे हैं वो सरघाटी से आते हैं, रफीगंज से आते हैं, बेला चाकन से आते हैं, क्योंकि एक बैच हमें जो है वो प्रॉपर ट्रेन और बस के टाइम पे ही चलाना पड़ता है ताकि सारे बच्चे प्रॉपर अपने घर पे पहुंच जाएं। तो यहाँ पर जितने बच्चे आपकी कोचिंग में पढ़ते हैं वो सभी इस कोचिंग सेंटर से संतुष्ट हैं, ऐसा आपको लगता है? जी, मैं इसके बारे में चूँकि अगर मैं कुछ कहूँ तो ये अपनी पढ़ाई खुद करना हो जाएगा और चूँकि हम संतुष्ट है कि नहीं ये मायने नहीं रखता है, हमारे बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स संतुष्ट है, उसके रिजल्ट से पेरेंट्स संतुष्ट है। तो चूँकि हमारे पास बच्चों का जो फ्लो आता रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट रहे हैं और पेरेंट्स भी संतुष्ट रहे हैं, तो सेटिस्फैक्शन तो पहला इशू होता है, वो तो होना चाहिए। और आज भी बहुत सारे बच्चे जो हमारे संस्था से जो अच्छे परसेंटेज लाए हैं वो जो COVID-19 का जो इफेक्ट है जिसकी वजह से बच्चे घर से नहीं, पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया है, हमने भी मना कर दिया है, तो चूँकि आना ज़रूरी था तो मैंने सिर्फ 2 ही दिन बच्चों को बुलाया है चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो और आप अपने कोचिंग के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे या उनको क्या ज्ञान देना चाहेंगे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने कोचिंग के बच्चों को एक लाइन में बहुत सारी बातें बता देना चाहता हूँ कि अभी तक बच्चों को हम फेस टू फेस पढ़ाते रहे हैं लेकिन ये COVID-19 का जो इफेक्ट है, चूँकि गवर्नमेंट ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई जान है तो जहान है और मैंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, जान है तो जहान है,
तो बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ाई का हेल्प लें, हमारा वेबसाइट नंबर पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और यूट्यूब के माध्यम से भी क्लास कर सकते हैं। और हमने चूँकि बच्चों को ये एक मैसेज भी हमने डाला है कि भाई जो बच्चे दूर में है या जो बच्चे के पास कोचिंग काफ़ी एफर्ट करने की कैपेसिटी नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हैं। हमारे जो मीटिंग्स ऐप है उस मीटिंग ऐप्स के ज़रिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सकते हैं, जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं दिया जाता है। धन्यवाद।